आज बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। बाबा को जाने के साथ ही सदगुरु बार की याद विशेष जन्माष्टमी के निमित्त भी बाबा को बहुत बहुत याद प्यार दिया। याद प्यार देते बाबा कहने लगे कि बच्ची, दुनिया में तो कृष्ण का आह्वान लोग साल में एक दो बार करते हैं और विशेष रूप से जब जन्माष्टमी होती है तब भगत बच्चे भी बहुत ही प्यार से खिलाते हैं, झुलाते हैं, खेल पाल करते हैं। पर बाबा ने कहा कि आप ब्राह्मण बच्चे, विशेष रूप से आप बच्चों की बुद्धि में शुरू से ही नई दुनिया आने वाली है, कृष्ण का आह्वान जब से बाबा के बच्चे बनते हैं उस घड़ी से, उस समय से बुद्धि में ये बात पक्की की जाती है कि नई दुनिया आ रही है। तो बाबा ने कहा कि दुनिया में तो जन्माष्टमी के समय व्रत आदि करते हैं, कितना पूजा पाठ करते हैं मंदिरों में भी, घरों में भी। पर बाबा ने कहा, बाबा ने आप बच्चों को इन बातों से सबको छुड़ा दिया है, क्योंकि भक्ति में भी अनेक बातें होती हैं, अनेक मेहनत कई प्रकार की होती है। पर बाबा ने कहा, आप बच्चों को तो नई दुनिया की बाप सदैव स्मृति दिलाते रहते हैं। तो आज तो विशेष बाबा का भी वह रूप, कभी बाबा का कभी कृष्ण का, बाबा ने कहा दुनिया में भी तैयारी कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। बाबा ने कहा मनाएंगे अपने समय के अनुसार। तो बाबा ने फिर आज बहुत ही प्यार से बाबा ने भोग स्वीकार किया और आज बाबा को सद्गुरुवार की याद और विशेष कई आत्माओं का भी भोग था, बाबा को जाकर के उनकी याद दी और याद देने के साथ बाबा ने उन बच्चों को बड़े प्यार से इमर्ज किया। और बाबा ने आज विशेष जन्माष्टमी की और सद्गुरुवार की सभी ब्राह्मण बच्चों को बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दी और याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।